वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, बाकी देखते हैं व्हाट हैपेंस। जी सर, ये रहा आपका यूट्यूब और ये हो गया पाकिस्तान में बैन। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और वीडियो पे काम कर रहा था, लेकिन एक एमरजेंसी सिचुएशन एकदम राइज़ अप हुई है दिस मॉर्निंग व्हेन सुप्रीम कोर्ट से इसके पाकिस्तान, उन्होंने हिंट कराया है, नो दिस थिंग के हिंट कराया है ड्यू टू सम लॉजिकल रीजंस के इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो इसको किया जाए बैन। ये बात है बड़ी ज़रूरी, ये पसूड़ी पड़ गई, इसलिए ज़रा पास आके बात करते हैं। तो सर, सिचुएशन यही हुई है कि इट इज़ गोइंग एज ए र्यूमर तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज सुबह ये जो डिस्कशन स्टार्ट हुई है कि जी यूट्यूब के मसले मसाइल या कोई भी सोशल मीडिया है उसके मसले मसाइल आ रहे हैं कि नॉर्म्स एंड वैल्यू से चीज़ें बहुत बुरी तरह ड्रॉप हो रही हैं, उसके असरात पड़ रहे हैं सोसाइटी पे, और टारगेट किया जाता है फैमिलीज़ को और सेलिब्रिटीज़ की फैमिलीज़ या कोई भी वेल नोन पर्सन है उसकी। आई हैवन्ट रेड एनी थिंग येट, लेकिन एक मैंने कुछ वीडियोज़ देखी और छोटी सी बेसिक सी मैंने एक न्यूज़ चैनल पर ख़बर पढ़ी थी कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन, और उसकी ये रीज़न्स हैं। उस पर बात शुरू हुई है कि जी जैसे टिकटॉक है उसको किसी वजह से बैन किया गया है और भी कुछ सोशल मीडियाज़ हैं, लेकिन यूट्यूबर्स के लिए ये खबर एक धमाके से कम नहीं है। रीज़न बींग बिकॉज दिस इज़ नॉट अ र्यूमर, दिस इज़ अ हिस्ट्री, इट वॉज बैंड बिफोर एज वेल। आई अंडरस्टैंड कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की वजह से हुआ था, एब्सोल्युटली पॉइंट टेकन, पॉइंट वैलिड, लेकिन ये है कि चीज़ को एकदम बैन कर देना क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आई वुड नॉट से कनेक्टेड रहेंगे फैमिलीज, सोर्सेज ऑफ इनकम, नहीं आई एम नॉट, इंडस्ट्रीज़ इसके साथ कनेक्ट हो चुकी हैं स्पेशली फॉर सम ईयर्स इन पाकिस्तान। अभी आई एम अ वेरी वेरी टाइनी यूट्यूबर, लेकिन स्टिल आई सी लॉट ऑफ पोटेंशियल, इट स्टिल आई सी माई फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर करियर इवन इन दिस थिंग। तो हम सब के लिए इस वजह से ये परेशानी का सबब है क्योंकि हमने पहले भी पाकिस्तान में देखा है इसको बैन होते हुए लॉजिकल रीजंस। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि लॉजिकल रीज़न नहीं है, रीज़न बड़ी लॉजिकल है, लेकिन जैसे टिकटॉक बैन किया गया है, पबजी बैन हुई है, उसकी हर चीज़ के पीछे रीजंस होती हैं। सो अभी तो हम सारे परेशान ही हैं कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज दिस इज़ अ स्मॉल चैनल, दिस इज़ जस्ट मैं आपसे बात करने के लिए चैनल डेवलप बिहाइंड द सीन्स के लिए चैनल बनाया गया, लेकिन असल कहानी तो आपको पता है हमारी टेस्ट विद ताज की है कि दैट इज़ अ कुकिंग चैनल और उसके साथ हम बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड हैं, उस पर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट स्टिल वी सी लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, दैट्स वाई वी आर वरिड। तमाम कंटेंट क्रिएटर्स वरिड है क्योंकि अभी र्यूमर शेप है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि भाई ये फ़ौरन बंद हो जाएगा, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन नहीं। सिर्फ अभी क्या वर्डिक्ट आता है, उस पर क्या कमेंट्री होती है, क्या चीज़ें, वो तो बहुत आगे की चीज़ है। दिस इज़ द फर्स्ट क्लेम कि जी बैन यूट्यूब इन पाकिस्तान, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ों को मौका मिल गया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू मेक वीडियो ऑन इट, कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी कोई खबरें फैलानी शुरू हो जाएंगी जी ये बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या वर्डिक्ट पे कमेंट्री होनी शुरू हो जाए। नो, फ्रॉम माई साइड इट इज़ नथिंग लाइक दिस थिंग, वट एवर हैपन्स दैट विल हैपन विद एवरी वन, आइदर गुड और बैड, लेकिन अल्लाह सबके हाल पे रहम करे, और मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि जो आइडियोलॉजी है ना किसी भी बैन या किसी भी स्टेप के पीछे, वो लॉजिकली इन प्लेस आ जाती है तो एवरी वन इज़ ओके, या चलें ठीक है, सही है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, बाकी देखते हैं व्हाट हैपेंस। सो दैट्स इट, जो चीज़ दिल में आई मैंने सोचा आई शुड शेयर दैट विद यू गाइस। अभी तो हम बहुत स्मॉल स्केल हैं, शायद इसका कोई वर्डिक्ट या चीज़ आने तक शायद ये मेरी वीडियो किसी को पता भी ना चले, बट स्टिल आई हैव अ प्लेटफॉर्म टू टॉक, सो आई जस्ट सेड के आपने घबराना नहीं है। सो आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें और सबकी रिस्पेक्ट करें।
टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।